खबर चमोली जिले की है, जहां वेतन न मिलने से परेशान अतिथि शिक्षकों ने माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। आपको बता दें, अतिथि शिक्षकों ने 24 अगस्त को सांकेतिक धरना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दिया था। वहीं उच्च अधिकारियों ने 31 अगस्त तक वेतन मिलने की बात कही थी, लेकिन नहीं मिला, जिसके बाद अतिथि शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों को 2020 से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जबकि दशौली, कर्णप्रयाग और गैरसैंण ब्लॉक में उपरोक्त वेतन अतिथि शिक्षकों को मिल चुका है। एक ही जिले में अलग अलग कानून को लेकर अतिथि शिक्षकों में खासा आक्रोश है। अतिथि शिक्षकों का कहना है, कई बार मुख्य शिक्षा अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल विभाग ने नहीं की। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। अगर आज शाम तक हमारे आदेश को निर्गत नहीं किया जाता है, स्पष्ट आदेश को, तो हम यहाँ पे विभागीय जो कार्यवाही चल रही है यहाँ पे कल से तालाबंदी कर देंगे, और जो ये आंदोलन है ये उग्र रूप ले लेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी मुख्य शिक्षा अधिकारी और शासन प्रशासन की होगी। इसमें 12वां बिंदु है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उक्त अनुसार शिक्षण कार्य हेतु रखे गए अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय ₹15,000, अब जो 25,000 हो गया, की दर से अनुमान्य होगा, तथा प्रतिमा एक दिन की दर से आकाश में अवकाश अनुमान्य होगा। कार्य किए जाने की अवधि का ही वेतन अनुमान्य होगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और इसी आधार पर जो है, जो अवकाश की अवधि होती है, तो अवकाश की अवधि में क्योंकि कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए उस अवधि का मानदेय इनका रोका गया होगा, जाना भी रोका गया होगा। तो इसलिए अब ये मुख्य शिक्षा अधिकारी का निर्णयाधीन है, जब वो आएंगे तो उस पर निर्णय लेंगे।